इस घर का बड़ा बेटा जो हूं मैं। देखो वैसे भी ये रीच चली जाएगी, तो मैं सोच रहा था कि उसके जाने के बाद कि दोनों माँ बेटा अकेले क्या करेंगे। इसलिए बेहतर है ना कि ये किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम अफान की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो। सिर्फ अफान नहीं, चाहे अफान हो या अफान की माँ, मेरे रास्ते में जो भी आया तो उसे हटा दूंगा मैं, क्योंकि वो क्या है ना ईमान, मुझे अपने रास्ते में रुकावटें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या चीज हो तुम, किस किस्म के इंसान हो? इनफैक्ट इंसान कहलाने के तो तुम काबिल हो ही नहीं, ना एक अच्छा बेटा ना अच्छा भाई। क्या पहचान है आखिर तुम्हारी? सिकंदर हूं, और तुम्हारे लिए ये नाम काफी होना चाहिए ये जानने के लिए कि क्या पहचान है मेरी और क्या कर सकता हूं मैं। किस किस की जान लोगे तुम? पहले नाजिश और अब अपने ही घर वाले। मैंने कब कहा कि मैं किसी की जान लूंगा? तुम करोगे, तुम लोगे जान। क्या हुआ, परेशान हो गई या भूल गई कि तुम ही आई थी मेरे पास? गिड़गिड़ाती हुई, सिसकती हुई रीच को अफान की जिंदगी से निकालने के लिए। क्या हुआ, निकाल दिया उसे? रीच इस घर से चली भी गई ना ईमान, तो अफान के दिल में हमेशा रहेगी, और तुम्हारी चच्ची जान से तो तुम खासी नफरत पहले ही करती हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू उन्होंने तुम्हारी शादी मुझ जैसे दरिंदे के साथ करवा दी थी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो तुम्हें अफान से भी नफरत करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। देखो अभी घर में खुशी का माहौल है, मैं सोच रहा था कि अगर रीच ने जाना कैंसिल कर दिया तो नहीं तो फिर जो मैं कहता हूं जैसे कहता हूं चुपचाप करती जाओ। ये तो तुम भी जानती हो कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, दो टक्के की इज्जत नहीं बचेगी इन सबके सामने। तो फिर तुमने करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस अच्छी सी कॉफी बनाना, उसमें अच्छा सा शहर मिलाना और पिला देना इन्हें। समझ में आ रहा है ना? और तुम टेंशन नहीं लो, क्योंकि इसका सारा इल्जाम रीच पे आ जाएगा, सब यही सोचेंगे जाते जाते अपनी भड़ास निकल गई। जी जी अरीज बच्चा दोनों खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके अल्लाह। क्या हुआ,
दादी जान मुबारक बातें ले लेके थक गई। खुशी में कैसी थकन बेटे, ये तो शायद मेरे अंदर की थकन है वक्त से पहले जाग जाने की। आप रेस्ट भी तो नहीं करती, सोना चाहिए आपको, रेस्ट करना चाहिए। जरूर कर लूंगी सिकंदर, अगर तुम कहते हो तो जरूर कर लूंगी। कोई बात है क्या, ऐसे क्यों देख रही हैं? बस ऐसे ही, वो वक्त याद आ गया जब पहली बार तुम्हें अपने बाजुओं में लिए हुए इस घर में आई थी मैं। हर तरफ खुशी का सामान, फिर उसके बाद अफान को लेकर इस घर में आई, तब भी हर तरफ खुशी ही खुशी थी सिवाय तुम्हारे चेहरे के। खुश कैसे होता मैं? मां की मोहब्बत चौपट गई थी, आपने ना मुझे कभी समझा नहीं। तुम्हें समझ ही नहीं पाई हूं मैं, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। अब तो जो भी है तुम्हारे और अफान के बाद इसी का है। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब तक मैं उसे गोद में भी नहीं ले पाया, पर पता नहीं मुझे इसकी इजाजत मिलेगी या नहीं। मोहब्बत से मांगने पर हर चीज मिल जाती है बेटे, शायद हम ही इस बात को समझ नहीं पाते। नहीं मिलती। खैर आप रेस्ट करें। कुछ मदद करा दूं बेटे? कहो तो जैनब को बुला दूं। नहीं, मैं कर लूंगी। जैनब वैसे भी अरीज के साथ बिजी है। एमन, शुक्रिया बेटे। किस बात के लिए? हमारा साथ देने का बेटे, हमारी खुशी में खुश होने का। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कुछ बातें कह देनी चाहिए बच्चे। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। Thank you.
इसकी स्माइल बिल्कुल तुम पे गई। परेशान नहीं हो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जानती हूँ। पेपर साइन कर दिए तुमने? नहीं, घर जाके पेपर्स भेजवा दूंगी। आ जाओ जी। अच्छा, लाओ तो सर। इतनी बार गोद में ले चुकी हूं, फिर भी दिल ही नहीं भरता। ओके, मरीज कहाँ जाओगी बेटे? अपने घर, या शायद भाई की तरफ। भाभी बहुत इसरार कर रही थी। अम्मी आप प्लीज रोए मत, प्लीज। बहुत छोटी पड़ गई हूँ तुम्हारे सामने अरिज। एक बात कहूंगी बेटे, कभी ना समझना कि तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई है। मैं तुम्हें यहां से रुखसत भी करूंगी ना, दुआओं पूरे इंसाफ के साथ। तुम्हारी सूरत में एक मजबूत माँ को देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि माएं कितनी कमजोर पड़ सकती हैं इसका एहसास छुआ नीचे। Thank you.
आओ सिकंदर, यहाँ बैठो, बात करनी है कुछ तुमसे। आ जाओ खान, बैठो बेटा। वो दुनिया जो सिर्फ ख्वाहिशात की दुनिया है, पैसों की दुनिया है, स्टेटस की दुनिया है, जिसमें बाप की इज्जत या माँ की ममता अपनी कदर कीमत खो देती है, जिसमें बदन में दौड़ते हुए खून में नफरत की मिलावट है। इसे मत पीना सिकंदर, क्या पता मेरे हिस्से का जहर तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी मैंने। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद ये मन को इस्तेमाल करना, पहले नाजिश, फिर मुझे और अफान को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग, सिर्फ जायदाद के लिए, कागज के इन चंद टुकड़ों के लिए। ये लो, रख लो। क्या कर रही हैं आप? ये मेरी अलमारी की चाबियां हैं, कुछ और भी जेवरात हैं, चाहे तो वो भी ले लेना, और इस लड़की को भी अपने साथ ले जाना। क्या कर रही है, क्या कह रही है आप? बस बहुत हो गया, मैं नहीं कर रही। पीछा। सिकंदर, हट जाओ यहाँ, नीचे करो उसको। आगे से हटिए आप, मुझ पे चलाओ गोली। आप हटिए आगे से, मैं कह रहा हूँ आप किससे हटिए। इसका निशाना मेरी तरफ कर लो सिकंदर। ये माँ तो वैसे भी अपने कानों से सुन चुकी है कि तुम उसे मौत के घाट उतारना चाहते हो, तो कर लो पूरा अपना शौक और इस लड़के की हसरतें। हाँ कुटी हुई मैं। अरे ये बेचारी क्या कहेगी, तेरे पीछे भागते भागते इतनी खो गई कि भूली गई कि मैं एक बार बर्बाद कर चुका हूं इसे, तो दूसरी बार नहीं कर सकता। अरे चंद्र जाओ, यही रहो तुम। वो क्या कह रही थी तुम, बहुत मजबूत हो ना तुम। अरे अरीच, अब देखो क्या हो रहा है, कोई हरा नहीं सकता, पर देखो आज तुम्हारे सामने एक बार फिर जीत के जाऊंगा मैं, और तुम कुछ कर नहीं पाओगी। और क्या कहा था आपने, आपके और अफान के बाद सब कुछ इसका है। तो मतलब मैं दिखाई नहीं देता, और ऐसे कैसे हो जाएगा सब कुछ इसका, वो भी मेरे होते हुए। प्यारा है वैसे, और पीछो
ईजा, हीरो बनना है तुझे? देता हूं, अभी मौका देता हूं तुझे। फिर इस बेचारे को क्या पता कि ये दुनिया मासूम लोगों के लिए है ही नहीं, तो क्या करूं? खत्म कर दूंगी। Don't you dare! तुझे कहा है ना पीछे रह, दोबारा आ गया है तो गोली कहीं अरे रो क्यों रही हो? चलो अच्छा है, वैसे भी ना तुम्हें रोते हुए देख के पता नहीं क्यों हमेशा मुझे खुशी होती है। चलो माफी मांग, कम ऑन मांगो। नहीं अरे, नहीं करोगे तुम ऐसे। मैं माफी मांगती हूँ, तुम प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कहो, मैं माफी मांगती हूँ। वेरी गुड, शाबाश। वैसे क्या मिला तुम्हें मुझसे अलग हो? दर बदर की ठोकरें, आंखों में आंसू, सच्चा तो मेरे साथ रहती। चलो एक आखिरी बार, चलो मेरे साथ, सब मिलेगा तुम्हें। और ये भी वादा करता हूं मैं कि तुम्हारे इस लाल को भी कुछ नहीं होगा। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो सिकंदर। आप हमेशा क्यों करती है मेरे साथ ऐसा? कभी मेरी साइड पे नहीं हो सकती? पता है, सोचा कुछ और था मैंने, लेकिन आज इस बच्चे की वजह से इस कहानी में ट्विस्ट आया। अब इसके बाद इसके साथ क्या होता है ये इसकी किस्मत, दूर नहीं मुझसे, वरना पहली गोली किस पे चलेगी जानता नहीं मैं। दो मिनट। अरे बच्चा दो मिनट। क्या बात है, तुमसे और बाकी सबसे इतना ही कह रहा है मुझे कि सॉरी नहीं कहूंगा मैं। अस्पताल वाले बार बार फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं करना क्या है। कह तो हम नहीं जानते, ना कोई रिश्ता है ना कोई वास्ता। सर थाने में रखवा दे या दफना दे, जैसे किसी लावारिस लाश के साथ करते हैं, जो उन्हें ठीक लगे।
रात कहाँ लेके जा रहे हो? उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया तुम लोगों ने? सर इनके घर से अभी तक के कोई आया नहीं। एक काम करो, फिर रिदी पे कॉल करो और बोलो उसको लेके जाए। ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ 36 नंबर पेशेंट के पास। सही है, अब तुम लोग देख लो क्या करना। यार कहाँ कहाँ से लवारिस लाशें आ जाती हैं यार। सब जानते हैं कि गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी। मुझे माफ कर दीजिएगा चचा, मैं आपको और अफान को तकलीफ पहुंचाने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। क्यों किया तुमने अपने साथ ऐसा ऐमन? मैं तुम माँ थी ना, भरोसा कर बैठी उस पे। तो मुझसे कहीं ज्यादा समझदार थी। पहले भी नुकसान उठा चुकी थी। मैं आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसे भी मुझमें अब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना आज। तुम्हें नुकसान पहुंचाते पहुंचाते मैंने तो अपना आप ही खो दिया। मैं जानती हूं इस वक्त तुम्हें मेरे चेहरे से भी नफरत हो रही होगी। नहीं मैं, इस वक्त मुझे तुम्हारे चेहरे में अपने बच्चे का मुहाफिज नजर आ रहा है। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी वापस आ जाओगी। साजिद खान, जेडी पुलिस को बुला, इनको साथ लेकर चलो। सॉरी, मैंने आप पे शक किया, लेकिन कसूर मेरा नहीं था, हालात का था। जानता हूं कसूर तुम्हारा नहीं था और ना ही मेरा। लेकिन अब सारी गलत फहमियां दूर हो गई हैं। प्लीज अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना।
प्रॉमिस कभी नहीं जाऊंगी, यूं ही हमेशा परेशान करती रहोगी। आई लव यू। आई लव यू। अच्छाई या बुराई एक पौधे की तरह हमारे अंदर उगती है। हम उनमें से जैसे हवा, पानी और गिजा देने लगते हैं, वही पौधा हमारे अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने लगता है। जैसे सिकंदर ने बुराई की परवरिश की और अपनी ही लगाई हुई आग में जल गया। तुम्हारी करूं क्या शिकायत मैं? मैंने